अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर स्पेशल रेसिपी गोभी गोश्त। ये देखिए, इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ ले लिया है और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये मैंने 1 किलो गोभी ली थी। ये देखिए, गोभी को मैंने काट कर पानी में भिगो दिया था। और आधा किलो मैंने पालक ली थी, पालक को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था, इसको भी पानी में भिगो दिया था। और ये देखिए, एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है मैंने, इसको काट लिया है। अदरक ली थी, एक बड़ा टुकड़ा अदरक कर लिया था, इसको भी लच्छे में काट लिया है। 7 हरी मिर्च ली थी, इसको भी मैंने काट लिया है। देखिए, चलिए जल्दी से बना लेते हैं। मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी गोभी गोश्त। ये देखिए, मैंने कुकर में तेल डालकर 1 छोटा कप तेल लिया था। तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। मैं इसमें एक प्याज डाल दूंगी। मैंने एक छोटा सा प्याज लेकर इसको स्लाइस में कट कर लिया है। ये देखिए, मैंने प्याज डाल लिया। प्याज को थोड़ा सा हम गोल्डन कर लेंगे। प्याज का कलर गोल्डन हो गया है, हम इसमें गोश्त डाल देंगे। ये देखिए, मैं इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। अब इसको मिक्स करके अच्छा सा भून लेंगे। देखिए, मैंने इसको अदरक लहसुन के साथ थोड़ा सा भून लिया। अब हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। 1 छोटा चम्मच में इसमें नमक डालूंगी। 1/2 टेबल स्पून इसमें हल्दी डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। ये देखिए, 1 टेबल स्पून में धनिया पाउडर डाल देंगे। मसालों को अच्छे से भून लेंगे। देखिए, मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया है। 2 मिनट लगे थे भूनने में। अब मैं इसमें ये डाल दूँगी, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च, ये तीनों चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए, इसको मैंने भून लिया है। अब इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अब हम इसमें पालक डाल देंगे। ये देखिए, इसमें मैंने पालक डाल दी है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। ये मैं पालक और गोभी गोश्त बना रही हूँ। एक गोभी गोश्त बिना पालक के भी बनता है, वो फिर मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए, अब इसको हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। ये देखिए, 10 मिनट के बाद इसने पालक में कितना पानी छोड़ दिया है। अब हम गोश्त को थोड़ा सा गला लेंगे, फिर गोभी हम बाद में डालेंगे। कुकर का ढक्कन लगाकर 4 से 5 सीटियां ले लेंगे ताकि हमारा गोश्त गल जाए। ये देखिए, गैस का फ्लेम बंद कर दिया था मैंने। 5 सीटियां आ गई थी इसमें। अब मैं इसका ढक्कन खोलूँगी। देख लेते हैं, गोश्त भी हमारा गल गया है एकदम। ये देखिए, अब हम इसमें गोभी डाल देंगे। ये देखिए, मैंने गोभी डाल दिया। मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी। 1 गड्डी हरा धनिया लिया था मैंने। इसको काट लिया है बारीक बारीक और इसको धो लिया है। गोभी पालक में हरा धनिया और अदरक थोड़ा ज़्यादा ही डलता है, इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, इसमें अभी पानी थोड़ा सा है, इसलिए इसमें मैं पानी नहीं डालूंगी। पानी डाल दूंगी तो एकदम पनीला सा हो जाएगा सालन। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और उसका कुकर का ढक्कन लगाकर अब हम इसमें 2 सीटी और ले लेंगे। और 2 सीटी लेकर फिर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए, अब मैं इसमें 2 सीटी और ले लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, 2 सीटी लेकर मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था। और पानी इसमें मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला था। देखिए, फिर भी हमारा गोश्त कितना अच्छे से गल गया है। ये देखिए, हमारा गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया है। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको भून लिया है। हमारा गोभी गोश्त बिल्कुल बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। खाने में बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। इसके साथ आप वाइट चावल बनाएं या फिर रोटी के साथ खाएं। ये देखिए, अब मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और इसको ऑयल भी ऊपर आ गया है। देखिए, गोभी पालक गोश्त बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी। चलिए, अब हम इसको सर्व कर देंगे।
ये देखिए हमारा गोभी पालक गोश्त बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।